आपकी सोच आपकी हदें तय करेगी, इसलिए महान सोचें, अच्छा सोचें। इसी कड़ी में हम ले चलते हैं आपको एक शानदार और आलीशान सफर पे, महान सफर पे। डुप्लेक्स है ये प्रॉपर्टी, डायमेंशन होगा इसका 20x70 का, रूफटॉप गार्डन, शानदार फुली फर्नेस प्रॉपर्टी के साथ एक चलेंगे महान सफर पे, शानदार सफर पे। इंट्रो एंजॉय कर लें आप इस प्रॉपर्टी का, और विस्तार से बात करेंगे कितनी खास है ये प्रॉपर्टी और कितने सुकून के साथ किया गया है इसको डिजाइन। आइए। राधे राधे, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एक नए सफर पे, नई प्रॉपर्टी में। गजेंद्र नाम है मेरा और न्यू टाउन होम का एक नया एपिसोड है ये। कॉलोनी है जगदम्बा नगर थावास रोड, MLH हॉस्पिटल के जस्ट एक गली आगे है ये प्रॉपर्टी। और जितने ही शानदार तरह से इस प्रॉपर्टी को डिजाइन किया गया है, मेरा ऐसा मानना है कि इस प्राइस में, इस रेंज में इससे शानदार प्रॉपर्टी को डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। चलेंगे एक शानदार सफर पे। उससे पहले आप देख लें इसका ये पार्किंग स्पेस है, 20 के फ्रंट में बनी हुई प्रॉपर्टी जिसका ये पार्किंग स्पेस है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो किल्लत है या प्रॉब्लम है वो होती है पार्किंग की। आपने घर बना दिया डुप्लेक्स, पार्किंग एक है, घर में मेंबर 4 है और पार्किंग सबको चाहिए। घर से बाहर पार्क करेंगे तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम, टू व्हीलर बाहर पार्क करेंगे तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। अनलिमिटेड 2 लग्जरी सेडान एक्सयूवी, एक मिनी गाड़ी आप पार्क कर सकते हो और टू व्हीलर आप जितना चाहो उतना पार्क कर सकते हो। पार्किंग स्पेस देखो, समझ में आता है इसे बिग एंड ब्रॉड एरिया। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, जिस शानदार सफर पे चलेंगे उसका ये फ्रंट एलिवेशन है। सेफ्टी और सिक्योरिटी का किस तरह से ध्यान रखा गया है ये इसकी गेट की क्वालिटी से पता चलता है। जैसे ही आप इसको देखते हो, आप इंटर हो, आपको किसी को एक्सेस देना है या नहीं देना है वो आप अंदर बैठे बैठे डिसाइड करते हो। तो सेफ्टी का प्रॉपरली ध्यान रखा गया है, मेटल का गेट है और शानदार तरह से डिजाइन है ये गेट। सिक्योरिटी के ध्यान के साथ में थोड़ा क्वालिटी का भी ध्यान रखा गया है। जैसे ही आप पार्किंग स्पेस में एंटर करते हैं, स्पेस को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रीनरी के साथ इसको डिजाइन किया गया है और सिक्योरिटी के लिए कैम डिजाइन किए गए हैं। ये इसकी रूफ है, डिप लाइटों के साथ बहुत ही खूबसूरत एंगल के साथ इसको डिजाइन किया गया है। चले एक शानदार सफर पर और बात करते हैं विस्तार से इस चीज के बारे में। ये एंट्री गेट हो गया आपका जाली वाला और ये सेकंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस में ये इलेक्ट्रॉनिक गेट आता है। इसको आप 2-3 तरह से एक्सेस कर सकते हैं और जैसे ही आप इंटर करते हैं, आप वेटिंग लॉन्ज में इंटर करते हैं। ये आपका वेटिंग लॉन्ज है, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत वेटिंग लॉन्च है आपका। इस वेटिंग लॉन्च के बारे में डिप लाइटों का यूज इस तरह से किया गया है कि ना तो आपको ये वॉयलेंट लगती है ना आपको लो लगती है। तो ये आपका वेटिंग लॉन्च हो गया जिसमें आप जर्नली रूटीन लोगों के साथ मिलते हैं और बाहर से जिसको भी आपको एक्सेस देना है उसके साथ चीजें आती हैं। ये यहाँ पे आपको वीडियो कॉलिंग डोर के साथ पता चलता है कि फ्रंट में क्या एक्टिविटीज आपके पास है। पार्किंग एरिया में ये स्पेस आता है, ये आपकी विजिबिलिटी के हिसाब से अच्छा है, वेंटिलेशन के हिसाब से अच्छा है, रोशनी के हिसाब से अच्छा है। सामने
वक्त दिखाने के लिए यहां से आपका अच्छा समय शुरू होता है। एक शानदार वाली वॉच को डिजाइन किया गया है। इस एरिया के अगर पार्टीशन को देखें तो वुडन और ग्लास के साथ बहुत ही खूबसूरत तरह से इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आपका वेटिंग लॉन और पर्सनल ड्राइंग दोनों एरिया को अलग अलग करता है। जैसे ही आप इस एरिया से एंटर करते हो इस घर में, ये आता है आपका ड्राइंग रूम। ड्राइंग एक ऐसी चीज है जहां पे आप सबको एक्सेस नहीं देते। वेटिंग रूम बनाने के पीछे एक रीजन है कि ये ड्राइंग रूम है। यू आर सिटिंग विद देयर इन योर फैमिली इन योर किड्स और बाकी आप अपनी फेवरेट चीजों के साथ यहाँ पे आनंद लेते हो। इसके जस्ट सामने आता है आपके टीवी का कैबिनेट, जहाँ पे एक बड़ा टीवी डिजाइन किया गया एसर का और बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन की गई है ये वॉल। तो आपके वेटिंग लॉन्ज का आनंद इस चीज से शानदार होता है। प्रॉप का जिस तरह से यूज किया गया है फुली फर्निस कैटेगरी में डिलीवर होता है। तो यहाँ पे एक एसी प्लान है जो आपके ड्रॉइंग स्पेस में आता है। बैक स्पेस को बहुत शानदार तरह से डिजाइन किया गया है। प्राकृतिक चीजों का ध्यान रखने के साथ में एक नेचुरल ट्री और आर्टिफिशियल वॉल को डिजाइन किया गया जो इस घर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसके बाद में ये आती है आपकी डाइनिंग स्पेस। ये आपका डाइनिंग स्पेस है, बहुत ही खूबसूरत और शानदार एंटिक तरह से डिजाइन है ये आपकी डाइनिंग। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है इसकी चेयर, बहुत ही क्लास तरह से डिजाइन है ये चेयर। इसके जस्ट बगल में आपके बाकी स्टफ आते हैं कि जैसे इस वॉल को बड़ी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया। और यहाँ प्लान की गई है रैक, तो अपनी नेसेसिटी चीजें जो भी जरूरत से ज्यादा की चीजें वो आप यहाँ प्लान कर सकते हो। बाकी अपर रैक के ऊपर आप काफी चीजें, जैसे खाना खाते टाइम आपको पेपर पढ़ने का शौक है या कोई मैगजीन पढ़ने का शौक है, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आपको बाकी स्टफ मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टफ जो फुली फर्निश कैटेगरी में डिलीवर्ड होते हैं। ये आता है आपका फ्रिज, वर्लपूल का फ्रिज है। स्पेसिफिक स्पेस इस जगह के लिए प्लान किया गया है। और इसके जस्ट बगल में आती है आपकी ब्रॉड किचन। जितनी शानदार तरह से डिजाइन है ये किचन उतने ही शानदार स्पेस के साथ आती है। देख सकते हैं लाइट पिंक या रोज गोल्ड टाइप का कलर इस पर डिजाइन किया गया है जो बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। फ्रंट से आपको एक्सेस मिलता है पार्किंग एरिया में। जनरली आप अगर किचन में काम कर रहे हो तो विजिबिलिटी प्रॉपर मिल जाती है। वेंटिलेशन के हिसाब से भी देखें तो वेंटिलेशन के हिसाब से भी ये परफेक्ट है। हिंदवेयर की आती है इसमें चिमनी जिसका एक्सेस आपको बाहर मिलेगा। आइए चलते हैं किचन और ड्रॉइंग के बाद बाकी के सफर पे। अगर आप ड्रॉइंग स्पेस में बैठे हैं तो आपको बेसिक नेसेसिटी चीजों के लिए रिक्वायरमेंट होती है वॉशरूम की। तो ये है हैंड वॉश और वॉशरूम। हैंड वॉश के लिए स्पेसिफिक एरिया और बगल एरिया कॉमन वॉशरूम आप इसको कहेंगे। रूटीन गेस्ट है, रूटीन फ्रेंड है या फिर जनरल आप बाकी चीजों में इन्वॉल्व हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं, फेवरेट वेब सीरीज देख रहे हैं, बेडरूम में जो भी आपके सिबलिंग्स हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं या कोई हेड ऑफ द फैमिली है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, उनको डिस्टर्ब किए बिना आप अपनी चीजें प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हो। ये ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। शानदार तरह से की गई है कुल्टिंग, बहुत ही खूबसूरत और कूल व्यू देती है। बेडरूम को जितना अट्रैक्टिव और जितना शानदार और जितना लो रखते हो आप उतना सुकून आपको मिलता है। इसके साथ में आपको मिलती है डिपलाइट है, इसको नाइट लैम्प हम बोलते हैं। किताबें पढ़ने के शौकीन है तो पार्टनर को डिस्टर्ब किए बिना वन साइडेड आप इसका यूज कर सकते हो, जो बहुत ही खूबसूरत और एंटिक तरह से डिजाइन है। इसके बैक स्पेस में जो स्पेस आता है वेंटिलेशन के हिसाब से इसको बहुत शानदार कह सकते हो। यह आपका ये यूटिलिटी एरिया हो सकता है बाहर। और स्लाइडर डोर के साथ इसको डिजाइन करने के पीछे रीजन है कि प्रॉपर बेडरूम से आपको एक्सेस शानदार मिलता है। ये सामने डिजाइन है इसके टीवी के कैबिनेट, बैक स्पेस में डिजाइन की गई लाइट है तो बहुत मध्यम मध्यम तरह से बाहर आती है जो बहुत ही खूबसूरत एंगल इस प्रॉपर्टी के बेडरूम को देती है। ये आता है इसका अटैच वॉशरूम। पीछे अंदर जाओ। ये आता है इसका अटैच वॉशरूम। ये आपका वॉल फिटेड आ गया कमोड, इट्स अ ब्रॉड एरिया बिग एरिया। और ये आती है आपकी इसमें ड्रेसिंग। ड्रेसिंग को बेडरूम के साथ डिजाइन करने के पीछे जो रीजन है, जो एक्सेस है, उसका बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आप चीजें उस एंगल में यूज करते हो। इसके साथ एक स्पेसिफिक डोर प्लान किया गया, इट्स अ बिग एरिया और पार्टीशन के साथ इसको डबल किया गया है। तो आपकी लाइफ और आपकी चीजें
यूज करने में काफी यूजफुल है, या फिर जिन चीजों को जिस तरह से डिजाइन किया गया वो काफी एलीट और काफी क्लास के साथ डिजाइन की गई है, ये आपका यूटिलिटी एरिया। ऐसा बिग और ब्रॉड एरिया, वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखा गया है, ओपन टू स्काई वेंटिलेशन का ऑप्शन है, तो बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग व्यू देता है। हम ड्रॉइंग एरिया की रूफ की बात करें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन है ये रूफ, एंटिक वाली फीलिंग देती है, शानदार वाले झूमर और शानदार वाला फैन, फैन की क्वालिटी या फैन की डिजाइन देख के आपको लग रहा होगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक का ये फैन है, और जिस डिजाइन और जिस खूबसूरती के साथ इसको डिजाइन किया गया उससे आप आइडिया लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी में जितने भी स्टफ लगे हैं वो किस क्वालिटी और किस एंगल के लगे हैं। यहां से अपन सफर करते हैं फर्स्ट फ्लोर का, और मिड में से ड्राइव की हुई या मिड में से बनाई हुई ये सीढ़ियां बहुत ही खूबसूरत एंगल देती हैं। जब आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते हो तो आपको विजिबिलिटी जो मिलती है वो बहुत शानदार है, जैसे ये सामने वाली विजिबिलिटी बहुत कूल लगती है, वो आपके बेटिंग लॉन्च की विजिबिलिटी वो आपको बहुत कूल लगती है। वुडन की रेलिंग इसमें प्लान की है, वुडन की रेलिंग के फायदे आपको तब होते हैं कि जब भी आप प्रॉपर्टी को रिनोवेट कर रहे हैं या साफ कर रहे हैं या फिर कुछ चेंज कर रहे हैं इसमें, तो एक पॉलिश के साथ इसका फील नहीं आता है। ये आपके फर्स्ट फ्लोर का लिविंग स्पेस है, ये फर्स्ट फ्लोर का आपका लिविंग स्पेस है, इसे ब्रॉड एरिया और उससे भी ज्यादा है जिस खूबसूरती के साथ इसको किया गया डिजाइन। ये आपका सिटिंग स्पेस हो गया, ये आपकी पर्सनल ड्राइंग हो गई एक तरह से, ये एंगल हो गया आपके सिटिंग के लिए। अगर घर में जनरली आप कोई जूस बार या इस टाइप की कोई चीज बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए परफेक्ट है। इस ड्राइंग और लिविंग के साथ साथ में आता है आपका, ये आता है आपका स्टोर रूम, आप इसको स्टोर रूम प्लान कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यू कैन यूज इट एज अ वॉशरूम, ये आपके एक्सेस के ऊपर है आप किस तरह से इसको डिजाइन करेंगे। ये है सेकंड बेडरूम इस प्रॉपर्टी का, मेरी समझ के हिसाब से जो फील है इनके स्टफ का, इनकी चीजों का बहुत शानदार है, मैं वो एहसास बयान नहीं कर सकता, पर इस प्रॉपर्टी का आनंद अलग है। जिस शानदार डिजाइन के साथ इस चीज को प्लान किया गया है, जिस शानदार स्टफ के साथ ये चीजें की गई हैं, ये शानदार वाली कुल्टिंग, ये शानदार वाली पेंटिंग, और फुली फर्निश्ड कैटेगरी में डिलीवर्ड होता है तो एसी डेफिनेटली आएगा ही। अगर रूफ की बात करें, फॉल सीलिंग को जिस सिस्टमेटिक और शानदार तरह से डिजाइन किया गया है वो तारीफ के काबिल है। इसकी फ्रंट विजिबिलिटी जो आती है ये आती है आपके कैबिनेट के लिए। अगर आप टीवी यहां लगाने के शौकीन है या फिर जनरली आप बेड पे शयन कक्ष में हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। दो तीन चीजें इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अगर ये सामने वाला एरिया आता है इसका अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम और ड्रेसिंग का स्पेस जो इस बेडरूम के साथ में सिस्टमेटिकली कवर्ड आता है, ये बैक स्पेस आता है वेंटिलेशन के हिसाब से, और फर्स्ट फ्लोर पे भी आप अगर यूटिलिटी एरिया डिजाइन करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। दिस इज वेरी नाइस कॉन्सेप्ट विच इज दे पीपल हैव डिजाइन्ड। नाइट लैंप का ध्यान रखा गया है, पढ़ाई में बहुत मदद करने वाली है आपकी ये चीजें। ये फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड ऑप्शन है, ये आपका स्टडी रूम है, ये आपका किड्स रूम है, उसी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है इसको, और उसी खूबसूरती के साथ डिजाइन किए गए इसमें प्रॉप जो बहुत ही कूल अंदाज में है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आपने अपनी लाइब्रेरी यहां पर डिजाइन की है तो उसके हिसाब से ये चीजें परफेक्ट है। ये थर्ड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का, फर्स्ट फ्लोर का अगर ऐसे बात करें तो ये चौथा कमरा है ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर का, शानदार और एंटिक तरह से डिजाइन ये बेडरूम, और उससे भी ज्यादा एंटिक तरह से डिजाइन इसका बैक स्पेस, एंटिक तरह से डिजाइन किया हुआ इसका एरिया और एंटिक तरह से डिजाइन की गई इनकी पेंटिंग्स जो इस बेडरूम की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करें, नेचुरल बनाना के केले के पत्ते जो होते हैं घर के लिए शुभ माने जाते हैं उनका इस्तेमाल यहां पर किया है, कुल्टिंग बहुत शानदार तरह से की है, नाइट लैंप का कॉम्बिनेशन यहां पे आता है, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है आपके ये कवर्ड, ट्रांसपेरेंट है ये,
और बहुत ही खूबसूरत एहसास देती है आपको। प्रॉपर कवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसके जस्ट सामने आता है इसका शानदार वाला ड्रेसिंग एरिया। ये आपका ड्रेसिंग एरिया है। ब्रॉड और बिग ग्लास का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और इसके जस्ट बगल में आता है आपका अटैच वॉशरूम। इस प्रॉपर्टी के साथ जो एक एंटीक चीज है, इसमें वॉशरूम के साइज और डिजाइन काफी बड़े और ब्रॉड प्लान किए गए। इसको मैं बालकनी नहीं कह सकता, ये आपकी पर्सनल टेरेस आती है फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम के साथ में। काफी बड़े एरिया में और सिस्टमेटिक तरह से डिजाइन की गई है, और उससे भी ज्यादा शानदार तरह से डिजाइन की गई है। ये ग्रीनरी के साथ प्लान की हुई चीजें, तो घर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है इससे। इसके बाद चलते हैं एक शानदार वाले एरिया की तरफ। रूफटॉप को कितनी खूबसूरत तरह से डिजाइन किया गया है वो एंगल हमें देखना जरूर बनता है। ये सेकंड फ्लोर के रूफ का सफर है। शानदार झूमर जो आपके ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर सब पे आपका बहुत खूबसूरती के साथ वेलकम करता है। ये आपका है वेटिंग लॉन्ज सेकंड फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का शानदार वेटिंग लॉन्ज पार्टियां करने के शौकीन है, रूटीन लाइफ से बोर हो गए और लाइफ पर थोड़ी सी थकनी चाहते हैं, तो एक बेडरूम डिजाइन किया गया है आपके लिए। यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे गेस्ट रूम बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिया बना सकते हैं, या जैसा आपको उचित लगे उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं आप। ये इसकी भव्य शानदार आलीशान और क्लासी रूफटॉप, और उससे भी ज्यादा क्लासी है इसकी ये चेयर। जिस खूबसूरती के साथ इसको डिजाइन किया गया है, जिस खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है, वो तारीफ के काबिल है। और उससे भी ज्यादा शानदार है नेचुरल ट्रीज का कॉम्बिनेशन। आर्टिफिशियल और नेचुरल ट्रीज के कॉम्बिनेशन के साथ इस रूफटॉप को डिजाइन इस घर की खूबसूरती में, इस घर की सुंदरता में चार चांद लगाता है। ये आपकी ड्राइंग स्पेस से कॉमन वॉशरूम है जो आपके गेस्ट रूम के साथ में भी अटैच है और बाकी एरिया में भी काम आएगा। ये बैक स्पेस की रूफ है। आर्टिफिशियल ग्रास के साथ में इसको किया गया है डिजाइन, और टॉप फ्लोर की छत पे जाने के लिए मेटल की लगाई हुई है सीढ़ियां। बहुत ही क्लास तरह से डिजाइन है प्रॉपर्टी। डायमेंशन 20x70। एक और चीज है जो इस प्रॉपर्टी के फेवर में जाती है, ईस्ट फेसिंग है ये डुप्लेक्स, और वास्तु का 100% तरह से इसमें रखा गया है ध्यान। वास्तु का ध्यान कैसे, जैसे किचन इसकी प्रॉपर अग्निकोण में आती है, ईशान कोण इसका बहुत शानदार है। रूफटॉप सिस्टमेटिकली डिजाइन है। बेडरूम के सारे सराहने आपके साउथ में आते हैं और ब्रह्मस्थान खुला हुआ है। ये चार चीजें हैं वास्तु में मेन रूप से देखी जाती है, जो इस प्रॉपर्टी की खूबसूरती में चार चांद तो लगाती हैं, उसके बाद इस प्रॉपर्टी की प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करती हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस आती है इस प्रॉपर्टी की 1.75 crore। फुली फर्निश कैटेगरी में डिलीवर्ड है प्रॉपर्टी। 155 गज की ये प्रॉपर्टी, आस्किंग 1.75 crore। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इस प्रॉपर्टी को देखने के इच्छुक हैं या इस डिजाइन को देखने के इच्छुक हैं, या ये प्रॉपर्टी आपको अगर पसंद आती है तो DM करें हमें, विजिट अरेंजमेंट हो जाएगी आपको। Our team will get back to you soon. बहुत बहुत धन्यवाद आपका।